सत्ता में अबाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके चरित्र पर रचित रामचरितमानस की, जिन पर आपत्तिजनक बातें कहना, विवाद पैदा करना और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना कुछ लोगों के लिए नया फैशन बन गया। ऐसा लगता है जैसे रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने की राजनीतिक प्रतियोगिताएं हो रही हैं। पहले बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, फिर बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह और अब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बातें कही हैं। इसमें दक्षिण भारत का भी एक नया नाम जुड़ गया है, KS भगवान उनका नाम है, वो कन्नड़ लेखक हैं। इन चार चेहरों ने पिछले कुछ दिनों में भगवान राम पर विवाद खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की है। पहले बात उत्तर भारत की करते हैं, जहां हमारे कुछ नेता अचानक रामचरितमानस के स्वयंभू शोधकर्ता बन गए हैं और बदलते दिन के साथ नए नेता आते हैं और इसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं। नई कहानी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रची है। उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर रामचरितमानस पर बैन नहीं लगा सकते तो विवादित अंश हटाए जाएं, क्योंकि इसमें कुछ जातियों का अपमान हुआ है। एक बार पहले सुन लेते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की आपत्ति क्या है, उसके बाद इस पर हो रहे रिएक्शन को सुनेंगे। भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना विद्वान क्यों न हो, ज्ञान में दक्ष प्रवीण क्यों न हो, उसका सम्मान मत करिए, क्या यही धर्म है? तो ऐसे धर्म नहीं हो सकते जो किसी जाति वर्ग विशेष को गाली देता हो, जो जाति वर्ग विशेष के साथ सौतेला व्यवहार करता हो, जो जाति विशेष के लिए कुछ और एक वर्ग जाति विशेष के लिए कुछ और की बात करता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। उन आपत्तिजनक तथ्यों को बैन करना चाहिए जिससे कि तमाम जाति वर्ग विशेष के लोगों को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ग्रंथ ज्ञान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। संतों से लेकर बीजेपी के नेता और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई है। संतों का कहना है कि जब पता नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए, तो बीजेपी कह रही है कि ये सब नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयानों की प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करके हमने 90 सेकंड की एक रील तैयार की है, आप उसे देखिए। आने वाले चुनावों में भीम और मीम इसकी रणनीति को पुष्ट करने के लिए ये बेईमान प्रयास हो रहा है। इसके पहले भी मुलायम सिंह ये प्रयास करके देख चुके थे, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को, कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है भगवान की जरूरत उनको नहीं है, इतने ताकतवर हैं, संपत्ति से, बल से, मैंने सत्ता से इतनी ताकत है कि उनको भगवान के सहारे की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, जो कमजोर है, वही जो है राम का सहारा जो है तलाशता है। तो इन लोगों को आज़ादी है, इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है राम की। इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विश्वास करता है, वो समाज के नेता सत्ता में रहते हैं तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आती हैं, सत्ता से बेदखल होने के बाद उनको याद आती है। इन किताबों को मानते हो या ना मानते हो, आपको ये हक नहीं है कि किसी भी धार्मिक किताब का मजाक बनाए। आपको सबकी आस्था की इज्जत करनी चाहिए। स्वामी बनकर इस तरह का प्रसाद ना बनाए और खाली इससे ठेस हिंदुओं को नहीं पहुंच रही, मुसलमानों को भी पहुंच रही, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान पुरुषोत्तम राम का सम्मान करता है। तो रामचरितमानस पर बिहार से शुरू हुए विवाद को अब यूपी के एक नेता ने आगे बढ़ा दिया है। तो भगवान श्री राम पर दक्षिण भारत के एक लेखक ने इतनी आपत्तिजनक बातें कही हैं कि उन्हें ना तो बोला जा सकता है और ना ही लिखा जा सकता है, ये बहुत ही अपमानजनक है। ऐसे में इस खबर को दिखाना
बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस खबर की परतें खोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं जो महसूस कर रहा हूं वो बात आप तक पहुंचेगी। कर्नाटक के जिस लेखक और बुद्धिजीवी ने भगवान राम पर आपत्तिजनक बातें कही हैं, उनका नाम है KS भगवान। KS भगवान हिंदू देवी देवताओं पर ऐसे बयान देने के लिए कुख्यात रहे हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है। कर्नाटक के मांड्या में एक कार्यक्रम में KS भगवान ने कहा कि राम राज्य बनाने की बात चल रही है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ने से पता चलता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 वर्षों तक शासन नहीं किया, बल्कि केवल 11 वर्षों तक ही शासन किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो शालीनता की सीमाओं को तोड़कर बहुत आगे निकल गई। उन बातों को सुनाना तो संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो की अश्लील भाषा को एडिटिंग की मदद से ढकना होगा। जो हमने सुना है वो आपको नहीं सुना सकते, आपको सुनना भी नहीं चाहिए, फिर भी एडिटेड वर्जन को आप सुन लीजिए। ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕತೆ ಈ ಕತೆ ಏನೇನ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದ ರಾಮ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಜೊತೆ ಸೀತ ಮಾದಾಯ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಮಧು ಮೈರೇಯಕಂ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆಗೂ ಮಧು ಮೈರೇಕಂಬ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಶಚಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಚಿದೇವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಾಗೆ ಇವನು ಕುಡಿತಿದ್ದ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಹೌದು ಇವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. तो भगवान राम पर कन्नड़ लेखक KS भगवान के इन विवादित विचारों का विरोध शुरू हो गया है। कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने KS भगवान पर सख्त एक्शन की मांग की है, तो कुछ हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की है। लोगों की मांग है कि हिंदू आस्था का अपमान करने के लिए KS भगवान पर एक्शन होना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि KS भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बयान दिया हो। ऐसा करने का उनका इतिहास बहुत लंबा रहा है। दिसंबर 2018 में भी KS भगवान इसी तरह का विवाद खड़ा कर चुके हैं। वाल्मीकि रामायण को आधार बताकर भगवान राम से नशे की प्रवृत्ति को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने माता सीता पर इसी तरीके की आपत्तिजनक बातें कही थी। अपनी पुस्तक राम मंदिर ये के बेड़ा में भी उन्होंने ऐसी ही बातें कही। तब भी भगवान राम पर उनके बयान का विरोध हुआ था। उनके घर के बाहर लोगों ने भगवान राम की पूजा की कोशिश भी की थी।